आज मैं वीडियो के एंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि देने वाले हैं। जो भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को निश्चित रूप से एंड तक देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं अंत में देने वाला हूं। पहले न्यूज को जानिए। सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज है। जो भी छात्र इंटर में एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे, उनके लिए पुनः एडमिशन की तिथि जारी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि बिहार बोर्ड एडमिशन लेने वालों का अपडेट कॉलेज द्वारा पोर्टल पर 25 तक करना जरूरी। इंटर में आज से 23 तक होगा स्पॉट एडमिशन। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं। चाहे 2019 में पास हुए हो या 2020 में, इस बार जो पास हुए तो छात्र एडमिशन लेते ही हैं। अब देखिए, पिछले वर्ष यानी 2019 में भी छूट गए थे, 18 में भी छूट गए हैं। अगर इसमें इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी 20 सेशन के लिए है, 2020-22 सेशन के लिए। तो यहाँ पर क्लियर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पर देखिए एडमिशन की तिथि, इंटर में एडमिशन की तिथि बढ़ा दी है और समिति सचिव ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेज दिया है। इंटरमीडिएट ने सत्र 2020-22 में स्पोर्ट राउंड के तहत एडमिशन 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 23 तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का कॉलेज द्वारा पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपडेट किया जाना है। और स्पोर्ट एडमिशन के लिए इच्छुक स्टूडेंट जिस संस्थान के जिस संकाय में सीटें खाली हैं उस पर एडमिशन के लिए प्राचार्य यानी प्रिंसिपल जो होते हैं उनसे अनुरोध करेंगे और वहां पर जो है कि आप एडमिशन करवा लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भी छात्र जो है कि 2021 में इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे, तो देखिए इंटर में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है वो आपको 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, 23 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर है, जो छात्र 2021 में सम्मिलित होना चाहते हैं अब फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो आप लोग 23 अक्टूबर तक अब परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पहले 29 सितंबर तक ही थी तिथि, तो पहले परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 29 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन अब स्टूडेंट 20 से 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलम्ब शुल्क के साथ भर सकते हैं। अगर चालान नहीं निकल पाता है, किसी अन्य कारणवश शुल्क जमा नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट 30 अक्टूबर तक विलम्ब शुल्क के साथ जो है कि परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। अब देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि अन्य छात्र जो एडमिशन नहीं ले सके हैं वे इस जानकारी का लाभ ले सके और अपना एडमिशन करवा सके। तो आप लोग आज जो है कि तैयार रहिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आज जो है कि स्कॉलरशिप के लिए, और स्कॉलरशिप के लिए जो है कि ऑनलाइन सत्याग्रह किया जाएगा, हैशटैग को ट्रेंड करवाना है। वहां पर हम आपको बताएंगे किस तरह से हैशटैग को ट्रेंड करवाना है और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है कि छात्र जुड़ेंगे ताकि जो है कि हैशटैग को ट्रेंड करवाने में कोई जो है कि दिक्कत नहीं हो। यानी ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है, जो छात्र जो है कि ट्विटर पहले से डाउनलोड करके रखें तो वो ठीक है, नहीं करके रखे हैं तो डाउनलोड